बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम करता हूँ न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगा, कंप्लीट बताऊँगा। आप लोगों को पता है कि YouTube में बहुत सारी फेक न्यूज़ है, हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ व्यू हासिल करने के लिए वीडियोस बना रहा है, ये नहीं सोच रहा कि जो 6-6 महीने से यहाँ पे फंसे हुए हैं उनके दिल पे क्या गुजर रही है। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भी जितने भी ममालिक्स में जिनको अप्रूवल नहीं मिल रही, वो बहुत परेशान है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों को आज मैं एक एक चीज़ से सारी जितनी भी सवाल हैं आप लोगों के वो हल कर करके बताऊंगा कि आप लोग बोलोगे इरफान भाई वाकई। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ चल रही है कि ICC की अप्रूवल की आप ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हैं। ये YouTube पे मैंने रात में एक खबर सुनी, एक वीडियो देखी, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। भाई ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, फेक न्यूज़ दे रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ICC ने अप्रूवल ख़त्म कर ली या GDRF ने अप्रूवल ख़त्म कर दी। अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हाँ आप लोगों को अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी एक तरीके से, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप न्यू वीज़ा लेते हो, न्यू वर्क वीज़ा लेते हो, न्यू विजिट वीज़ा लेते हो, तो उस तरीके से आपको GDRF से, ICA से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से आप लोगों को बोलो कि आप लोगों को अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। तो आप लोग अप्रूवल के लिए अप्लाई करते रहें। आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने वाजह तौर पर बता दिया था भाई इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि ईद के बाद अप्रूवल मिलेगी। तो आज ईद का तीसरा दिन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तरफ़ से यार सबको ईद मुबारक। ईद चली तो गई है लेकिन फिर भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको नहीं बोला तो उनको मैं आज बोल रहा हूँ, जो नए हैं उनको भी। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने अप्लाई करते रहना, कल से इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आ जाएगी। एक दो बंदों का मैंने अप्लाई किया हुआ है, दरख्वास्तें सेंड की हुई हैं, जैसे ही उसका कोई रिज़ल्ट आता है। पहले दो बार रिजेक्ट हो गया था, लेकिन जैसे आप लोग देखो YouTube पे ही मैंने देखा था कि लिखा हुआ आ रहा था कि ICA से अप्रूवल अब लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ मेरे भाई ये भी सेंड कर रहे थे कि ईद के बाद अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएगी, खुशखबरी लिखा हुआ था। तो इसी तरह से हमारा दो बार रिजेक्ट हुआ था, तो मैंने दो बंदों का एप्लीकेशन दी हुई है अप्रूवल में, देखते हैं रिजेक्ट होती है या अप्रूवल मिल जाती है। तो उसके बारे में हम जैसे ही उसकी नई अपडेट आती है, आज शाम में आ जाए, कल आ जाए, एक दिन में आ जाए, जैसे ही आई तो उसके बारे में मैं सारी वीडियोस बना के आप लोगों को सबूत के साथ दिखा दूंगा कि ये देखो भाई ये ICA वालों ने बोला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि जो मेरे भाई परेशान हैं उनको और परेशान ना करें ये लोग। तो उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे और सबको अपने हफ्ज़ो अमान में रखे, और सारे घर वालों को, जितने जो गरीब हैं उनको कारोबार दे, और जिनके वीज़े नहीं लग रहे उनको वीज़े भी, अल्लाह करे उनके वीज़े जल्द से जल्द लगे, उनको जल्द से जल्द अप्रूवल मिले और वो जल्द से जल्द अपने काम में वापस जाएँ और खुशहाल हो जाएँ। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।